बारिश हो रही है, तगड़े वाली बारिश हो रही है जी, तगड़े वाली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम जी लसक रहे हैं बिल्कुल बढ़िया वाले, यहाँ तक भी पानी आ गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। 2:50 हो रही है जी, लेट हो गया, अंदर सोया था कमरे में, रात बारिश हुई थी, इतनी भी तेज नहीं थी लेकिन थी मोटी मोटी बूंदे। 15 मिनट के लिए बरसे थे राम जी, ठंड हुई हुई है, नींद आ रही जी बढ़िया वाली। तो चलते हैं जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, श्री राम जी। देख ली ना ट्रक के आगे कैसे पड़ी थी बाइक, सुबह सुबह बत्ती लोग देखते नहीं है सुबह सुबह कि भाई रात के अंधेरे में यही सोचते हैं कि भाई कोई साधन आ तो रहा ही नहीं और निकल लेते हैं। बाइक वाले स्कूटी वाले ज़्यादा गलती करते हैं, छोटे साधन वाले, और नाम बदनाम बड़े साधन का हो जाता है। अब नीचे पड़ी थी बाइक, पता नहीं बंदा ख़त्म ही होगा मेरे ख्याल से। सुबह सुबह ये नहीं देखते बत्ती है या नहीं है, लेकिन साधन स्पीड में होते हैं, बड़ा साधन भी छोटा भी सारे साधन स्पीड में ही होते हैं, लेकिन क्रॉस करते वक्त देखना ज़रूरी है कि भाई बत्ती हो या ना हो, कोई साधन ना आ रहा हो। साधन को देखते नहीं है। अब सुबह सुबह कल्याण हो गया बेचारे का, अगले का भी और अगले का भी, तो मर गया वो भी दुखी होगा, उसके घर वाले भी दुखी होंगे, और गाड़ी वाला भी उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सुबह सुबह ये ज़्यादा बत्ती पर ही होता है, बत्ती पर लोग देखते नहीं है। अगला साधन पता नहीं कितनी स्पीड में आ रहा हो, आप तो क्या पता 10 की स्पीड पे चल रहे हो या फिर आप खड़े भी हों क्रॉस करते हुए, खड़े होके ये देखना होता है कि भाई साधन कितनी स्पीड में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या पता नहीं कितनी स्पीड हो सकती है साधन की, 80 पे हो सकता है, 60 पे हो सकता है, 70 पे हो सकता है, बत्ती हो या ना हो। रात में सभी ये सोचते हैं कि भाई निकल ले, कुछ नहीं आता, रात को बत्ती का कोई प्रयोग नहीं करते। अगर पुलिस खड़ी हो तो एक अलग बात है, नहीं तो कोई भी बत्ती का प्रयोग नहीं करता रात को, बस निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हादसे होते हैं सुबह सुबह। लेबर वाले पहले तो यहीं बुलाए मैंने नांगलोई, बुड़ के नीचे खड़ा मेरे को, खड़ा मैं रॉन्ग साइड में ही खड़ा हूँ, यहीं से साइड निकलेगी लेकिन साइड में खड़ा हूँ। वो पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लेके आ जाएंगे बस को, चलो देखते हैं। वैसे तो 4:45 हुए हैं अभी, 5 बजे चलनी शुरू हो जाती है बस रिक्शा कोई भी हो, देखते हैं पहुँचते हैं आने दो उनको। भूतो वाली गली में चक्कर लगेगा, बहुत सारे चक्कर उतार चुके हैं भूतो वाली गली में, आज काफ़ी दिन के बाद आया, 6 महीने के बाद कम से कम। देखते हैं, शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे उतारेंगे। ये रोड हो गया, इसके ऊपर से फ्लाईओवर हो गया रोड है वो भी, उस पर दोनों साइड है आने की भी और जाने की भी। उससे परली तरफ मेट्रो है, देखो ये मेट्रो का पिलर है, ऊपर से दिख नहीं रही, और उससे परली तरफ रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन मेट्रो, फिर जीटी रोड ऊपर से रोहतक दिल्ली वाला, और फिर ये अलग से रोड है, नीचे से मास्टर वाला बोलते हैं इसको, सर्विस रोड है भाई। दिन निकल गया पूरा, अभी तक नहीं आए, यहाँ उतरेंगे आगे। आ तो गए चारों, बड़ी वेट करवा दिया 1/2 घंटे से। होता था जी, टुकड़ियों पर लगा रहे हैं आज तो पत्थर पर, गेट बंद कर देंगे, मेन गली का काम है बंतों वाली का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन लग गई कम से कम, गब्बे कर सकते हैं, सारी मुश्किल आ गई।
बड़ा जोर लग जाएगा आज तो। अब की बार गाड़ी निकल गई मेरे ख्याल से, और इधर ट्रैक्टर अड़ गया। गड्डी का टायर घस गया पूरा। चलो 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 चलो, मैं बोर्ड पर लिख रहा है देख लो, तो वाली गली गली नंबर 1, 2, 3, 4 मंजिल है, और अब पता नहीं क्या बनाएंगे, ये ऊपर बनाएंगे पता नहीं अंदर बनाएंगे। चलो जी खाली हो गई, भागते हैं जी भागते हैं। अरे कर ले, पीछे कर ले भाई रे बाइक। ट्रेन गुजर रही हरियाणा एंटर जे, हरियाणा एंटर। क्या सब्जी आंटी, क्या सब्जी ले जी, खाना खाओ जी, गिया और ये छोले। सीधा भट्ठे पर पहुंचे जी, खाना खा के अच्छा स्वभाव से आ जा। सुबह मैंने कुछ नहीं खाया पिया वहां पे दिल्ली में, फिर भूख नहीं लगती थी क्योंकि 9 बजे हुए थे, अब 10 बज के कुछ मिनट हुई है और खाना फिर स्वाद भी लगा। 4 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई जाती थी, आज मैंने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, पानी पानी पिया था, तो फिर रोटी खाई है 4। एक खड़ा है पम्मी वाला, दूसरा नंबर अपना लग गया, तीसरा अभी कोई नहीं है, तो देखते हैं कितने मुझे भरेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। बने रहिए, आज बढ़िया वीडियो बना के फिर दिखाएंगे आपको, नई जानकारी मिलेगी एक बढ़िया वाला। बच्चे बचने वाले हैं, दो धारी रह गई अपने वाली में भरने के लिए। एक बटन लगा भाई ऊपर, 63 गड्डी थी परसों, 63 भाई तेरी कसम। ट्राली भरने लग रही है और गार दिखाते हैं कैसे डालते हैं। देख वीडियो बन रही है यार, पीछे मैं हूं और फोन में नीरज घरवाली के साथ बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, दिखाते हैं चलते हैं वहां पे सीधा। देखो इनते बन रही है, देखो यहां पे कर रहा था उस दिन उस भाई के साथ में, वहां पे जाना वहां पे। ये है पूरा गार का, मिट्टी वहां पे डलती है इसके अंदर गार बनती है, जैसे भी देखो बना रहे हैं साफ सुथरी कार। खाली कर दिया है, रोड़ी है, देख तो खाली कर दी फिर। देखो ये पहले गारा को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाते हैं पानी के साथ में, और फिर अंदर डालते हैं वहाँ ट्रोली में। अभी ये बॉकेट उसके अंदर डाल दें ट्रोली में। आप चढ़ते मार दी, अरे पीछे खाट मार दी तेने, मशीन पलटी की। एक नंबर का है, अर्थ ने तो मार दिया था, ये चोरी तो बहुत बात करे, गांडा मारना पड़े, गाड़ मत बगियो।
चलें ये बूढ़ा जब गेर का होगा ना गिल्ले चलूंगा मैं गिल्ले चलेंगे बूढ़े बड़ा कितनी दूर जाओगा एक दो रहे सी खाली कर ले एक दो रहे सी आस पास में नंबर वाइज चल रहे अच्छा नंबर वाइज साल बैठ के चल रहे बूढ़े वहां से ट्रैक्टर चलेगा उसके साथ में क्या वो कट हो रहा होंगे दो और भर जाएगी बोले अरे इसमें तेरे पता कैसे लगे कम करनी है वहां पे क्यों खाली कर दी वो टाइट थी अभी ढीली है ये भी टाइट है मीडियम है चल रही जेसीबी है भाई जेसीबी अरे कितना उतरू मैं चाले भाई यहां से भर रही है आइए ना चल 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 इसको झाड़ते हुए दिखाएंगे और बताएंगे भी इसमें कितनी ईंटें बनती है एक इसमें एक गार की मशीन में एक मिनट टंपर में बस बोल दिन से ढक देते हैं ताकि सूखे ना ही गिर गिर लगना यहाँ से आ रही है क्या पूरी यही झाड़ेगा इसमें एक में कितनी ईंट बना देगा 1700 बन जाएगी 1700 1800 1900 तक अच्छा लगभग 1800 मैक्सिमम सही है गार है इसके अंदर ब्लेड है भाई ब्लेड से बारीक बना देता है बिल्कुल ये ब्लेड है ना इसमें ब्लेड है हाँ दो बरम है भाई वर्मा वो तो लेडीज है यार उधर घास घूस की कोई दिक्कत नहीं मतलब घास तो आ गया ना घास तो थोड़ी बहुत आती रहती है घास तो नहीं हुई मैं ही खप जाए ना ये बाग क्या करना पड़ेगा फिर हट नहीं जाओगे ना हाँ जी कितने ईंटे बनाते हो रोज एक बंदा 2600 एक बंदा अच्छा मट्टी पड़ी आए जाओ उस पे हेल है अच्छा मौसम ज्यादा बढ़िया है मिट्टी तो इसमें जाफट घूमती है वहां से वहां तक अभी ये कार खींचती है जल्दी खाली हो जाएगा ना
बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। अच्छा हम नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, वही हाल ही ब्लेड देखेंगे अगर देख गया तो खाली होगी बिल्कुल। चल हाँ हो रहा, चल ले भाई बिल्कुल खाली होगी। चलो चलो अब दोबारा फिर भर के लेके आएगा ना। ये क्या कर रहा है भाई साहब? कितनी मिट्टी चाहिए? कितनी चाहिए? आधा आधे में क्या होगा यार, पूरा लेना, पूरे बना दिए ईंटे। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगी ना सूख जाएगी ना। दूसरा आ गया ये सारी कार गिरती हो जा रही है, ये तो खराब होगी भाई, खराब होगी वो ट्रॉली। उंगली फूट गई यार उसमें, आ गई छतरी में, वो पता नहीं चोंच सी थी कुछ, खून आ गया। क्या कह रहा है? लाइट ले वे कार बनता रहा आज नया, ओ काला मुंशी आज ना पहली मलकी है। हाय रुशर है, चल ये पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है कार का। वो तो ट्रैक्टर स्पीड में था, पूरी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आई, पर भाई उनका काम है स्पीड से ही चलता है पूरे दिन। शाम को सुबह डालते हैं, शाम को डालते हैं, दोपहर को रुक जाते हैं ना। ये पूरा प्रोसेस है गार डालने का, इंटे बनाने का आपने देख लिया, गार डालने का मैंने आज दिखा दिया कैसे डालते हैं। एक डंपर में 1700 से 1900 इंटे बनती हैं, अब तो 2500 परिवार इंटे निकाल रहा है ना, बहुत कम इंटे निकाल रहे हैं भाई, बहुत कम। चलो देखते हैं, भरने लगी हुई है, डाला बंद हो गया ट्रॉली का, मार के पलट के भागे कमरे की तरफ। मजा हाँ सारे अपने आपस के बंदे हो जाए ना, फिर जी लग गया। डाला बंद हो चुका सारे काम कंप्लीट। हाँ बढ़िया इंट भरन लग गई वालों वाले भी, वैसे तो अपनी है, बढ़िया भी है अपनी भी। पाँच है ठीक है, ठंडे 5 है। लो जी इनकम्प्लीट, सूर्यदेव जी महाराज डटे हुए हैं, बांध दिया जी बिल्कुल सही तरीके से। तो चले जब भागते हैं कमरे की तरफ। इनकम्प्लीट, पर्ची कट गया, भर भी गई है, चलते हैं। उधार भरो भट्ठे पे या नकद भरो, साइन होते हैं हमेशा, क्योंकि खाता चला हुआ है ना भट्ठे पे, इस वजह से साइन करने पड़ते हैं। और एक और टेंशन होगी, ऑर्डर फिलहाल नहीं है, चलो देखते हैं क्या रहेगा। गोलू बुला रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। अंदर से ईंट और टाइल इतनी बढ़िया कलर आया हुआ है, बिल्कुल वाइट वाला, देखो यहाँ से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो अंदर दिखा नहीं सकता मैं, और लेडीज ज़्यादा रोला करती हैं, फिर मकबू बनाते ही नहीं। चलो चलते हैं जी, भागते हैं। कलर और वो इतना बढ़िया इसीलिए आया है क्योंकि हवा लग गई, हवा से मतलब साफ होगी, रापस भी साफ होगी, और हवा लगने से बाद हवा लग जाती है ना भट्ठे के अंदर, तो फिर ठंडी हो जाती है जल्दी से ईंट, फिर एकदम से कलर आ जाता है, बिल्कुल बढ़िया साफ सफाई चिकनी हो जाती है ईंटे।
तक घूम का है। जवगार दिखाने के लिए गए थे ना, पूरे हिसारों में फिर गए। हिसार बोलते हैं खेतों को। डीजल फिल करवा लेते हैं। 87 रुपये 97 पैसे रेट है। पहुँचे जी बालाजी महाराज की दया से कमरे में। मिलता हूँ जी, हाथ पानी देखता हूँ पहले नहाने का क्या सिस्टम है। भीड़ में लगा दी बिल्कुल, परली तरफ गाड़ी खड़ी है ना भाई, पानी नहीं मिला। तो चले जी, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना जी। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो किसी भी तरीके की। तो चले जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने लीजिए, धन्यवाद। शेयर कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो फटाफट।